हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। दिस इज इंजीनियर सरविंद्र कुमार, यूपीएससी गुरुकुल सहयोग हमारा मंजिल आपकी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस सीरीज में हम लोग डिस्कस करते हैं प्रत्येक रात को 8 से 9 के बीच में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर। अभी फिलहाल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बीपीएससी के क्वेश्चंस पेपर, जो कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 53rd to 55th 2011 में जो एग्जाम हुआ था आयोग द्वारा, उसका हम लोग डिस्कशंस कर रहे थे। जो उसमें हम लोग 50 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे अब तक, आज हम लोग करेंगे डिस्कशंस 51 से आगे। आइए चलते हैं अपने डिस्कशन में, देखते हैं क्या कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। आइए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए 51, जो पिछले वीडियोस को आप लोगों ने, जो भी फ्रेंड्स नए फ्रेंड्स हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, पिछले वीडियोस को नहीं देखा वो जा करके देख सकते हैं। और तमाम यहाँ पे क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन ऑलरेडी मैंने किया, जो कि डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। आइए चलते हैं डिस्कशंस में। 51, टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है? यह टाटा नगर के नज़दीक स्थित है। फ्रेंड्स, इस टिस्को का फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टाटा नगर झारखंड में जमशेदपुर के पास में। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डी, जो कि यह 10वां सबसे बड़ा स्टील प्रोड्यूसिंग कंपनी है वर्ल्ड में, विश्व में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाला, स्टील प्रोड्यूस करने वाला कंपनी है, 10वां नंबर पर। आगे चलते हैं 52 पे, भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होती है? यहाँ ऑप्शन जो है उसके हिसाब से बिहार एवं उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होगी। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ए इज द राइट आंसर। अब 53 पे चलते हैं, निम्न में से किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक है? तो सबसे ज़्यादा है फ्रेंड्स यूपी में, सी हो जाएगा सही आंसर। 54 पे चलते हैं, आइए 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? 2001 के हिसाब से जो है फ्रेंड्स जनसंख्या है आपका यहाँ पे हो जाएगा 8 करोड़ 29 लाख 98 हज़ार 509। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार यदि कहें तो 10 करोड़ 40 हज़ार चलते हैं 54 पे फ्रेंड्स, यहाँ पे 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? तो ये जनसंख्या है 8 करोड़ 29 लाख 98 हज़ार 509 2001 के अनुसार। वहीं 2011 के जनगणना के अनुसार यदि बात करें तो 10 करोड़ 40 लाख 99 हज़ार 452 10 करोड़ 40 लाख 99 हज़ार 452 यह है कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार। कभी कभी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कहीं कहीं, यदि ऑप्शन में रहे 10 करोड़ 38 लाख 4637 तो वो भी ऑप्शन सही हो सकता है, कहीं कहीं डेटा में ये है। लेकिन 10 करोड़ 38 लाख 4637 रहे तो ऑप्शन में उसको करेक्ट मान सकते हैं, 10 करोड़ 38 लाख 4637 ये ऑप्शन में भी कभी कभी दे देता है, तो ये भी इसको भी आप सही मान सकते हैं। यदि 10 करोड़ 40 लाख नहीं हो तो 10 करोड़ 40 लाख 99 हज़ार 452 होगा तो यही सही होगा, 10 करोड़ 40 लाख 99 हज़ार 452 वाला। आगे चलते हैं यहाँ पे 55 पे, पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है फ्रेंड्स हाजीपुर में। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बी हाजीपुर, जो कि वैशाली जिला में है और इसका स्थापना 1996 ईस्वी में हुआ था और इसमें कार्य जो शुरू हुआ था, प्रारंभ जो हुआ था 2002 से, 1996 में स्थापित हुआ था। 56 पे, निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 पर स्थित नहीं है? NH2 पर जो स्थित नहीं है वो है फ्रेंड्स पटना, पटना NH30 पर स्थित है, NH30 पर। आगे चलते हैं 57 पे, यहाँ पे देखिए ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धता शामिल होते हैं, ऊर्जा के वाणिज्यिक क्षेत्र में विशुद्धता शामिल जो होता है फ्रेंड्स वो होता है कोयला, तेल, जलावन की लकड़ी, वनस्पति अवशेष और कृषि अवशेष, भी होगा सही आंसर। आगे चलते हैं 58 पे, भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत वर्ष 1994 में क्या थी? तो वर्ष 1994 में जो थी फ्रेंड्स 300 किलोग्राम जो था तेल के बराबर, ए हो जाएगा सही आंसर, 300 किलोग्राम तेल के बराबर। अभी के हिसाब से कितनी खपत है ये आप कमेंट में बताइएगा फ्रेंड्स। आगे चलते हैं 59, भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब हुई?
तो सर्वप्रथम तेल ऊर्जा जो संकट हुई थी भारत में फ्रेंड्स, वो हुई थी 1973 में शुरुआत हुई थी, तो 1970 80 के दौरान। ये आप डी आंसर सही मान सकते हैं, 1973 में इसमें काफ़ी प्रॉब्लम हुआ था, तेल ऊर्जा संकट आया था 1973 में। आगे चलते हैं 60 पे, यहाँ पे देखिए, भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्याओं पर विचार करें। तो यहाँ पे जब देखेंगे, देखते हैं क्या क्या, निम्न कोटि का कोयला एवं कोयला संचालन में बाधा, सही है। धुलाई संस्थानों की उपयोग क्षमता में कमी, कोकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता, कार्य संचालन कीमतें, ये सब कार्य संचालन कीमत में बढ़ोतरी हुई है। तो ये चारों सही हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा आपका, निकल कर 60 का बी। आगे चलते हैं फ्रेंड्स 61 पे, पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित से सीधे जुड़ा हुआ है। तो पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो जुड़ा हुआ है नेपाल, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, वाराणसी, रांची, कोलकाता, और ये जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी इसे जाना जाता है, पटना एयरपोर्ट को, जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो जो है ये डायरेक्ट जुड़ती है नेपाल, न्यू दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, वाराणसी और रांची। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा सही ए। आगे चलते हैं 62 पे, बिहार में निम्नलिखित के द्वारा विमान सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। तो बिहार में विमान सेवाएं जो उपलब्ध कराई जाती है फ्रेंड्स, वो है इंडियन एयरलाइंस, इंडिगो, जेट एयरलाइंस, ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन इसमें निकल करके आ जाएगा आपका डी सही आंसर होगा, यहाँ पे देख लीजिए 62, 62 का डी, ये इंडियन एयरलाइंस, सहारा एयरलाइंस एवं रॉयल एयरलाइंस, डी जो हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर निकल के आएगा। आइए चलते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे 63 पे, पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है। सबसे अधिक पानी मिलता है फ्रेंड्स चिकनी मिट्टी में, वहीं किस मिट्टी में कोशिका कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होती है, चिकनी मिट्टी में प्रभावशाली होती है। जितना पतला पार्टिकल्स होता है मिट्टी का, जितना पतला पतला होगा उसमें पानी उतना ज़्यादा देर तक रहता है फ्रेंड्स। 65, आइए 65 पे देखते हैं, महाद्वीप अलग कैसे हुए, ये टेक्टोनिक थ्योरी के माध्यम से हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बी, विवर्तनिक क्रिया से, बी सही आंसर हो जाएगा 65 का, टेक्टोनिक एक्टिविटी से, और फोल्ड माउंटेन भी जो है इसी टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण बना है। 66, निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है। तो निहारिका जो है सौर मंडल का भाग नहीं होगा, डी हो जाएगा सही आंसर, निहारिका। आगे चलते हैं 67 पे, आइए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। फतेहपुर जो है गंगा किनारे के स्थित नहीं है, जो ऑप्शन है यहाँ पे, और फतेहपुर एक्चुअली में गंगा और यमुना के बीच में स्थित है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ये हो जाएगा सही आंसर। 68 पे चलते हैं, काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यह स्थित है, 2 घंटा आगे का मतलब है 30 डिग्री पूर्व देशांतर। ग्रीनविच से जो 0 डिग्री पर ग्रीनविच है लंदन में, वहाँ से एक्चुअली 15 डिग्री जाएंगे तो मतलब 1 घंटे का डिफरेंस होता है। तो उसी तरह 30 डिग्री होगा यदि 2 घंटे का डिफरेंस आगे है, तो 15 प्लस 30 डिग्री हो जाएगा पूर्वी देशांतर। यदि पीछे होता तो पश्चिमी देशांतर हो जाता यहाँ, लेकिन आगे पूछ रहा है तो इसलिए पूर्वी देशांतर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे आपका बी। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, 1 डिग्री पे 4 मिनट होता है, उसी तरह 15 डिग्री पे 1 घंटा आगे या पीछे होगा। यहाँ पे देखते हैं 69, प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किन अधिनियम के तहत किया गया। इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 के अधिनियम के तहत ये किया गया था फ्रेंड्स। 70 पे चलते हैं, भारतीय संविधान में शामिल है, एक्चुअली भारतीय, यहाँ ऑप्शन जो है कोई भी सही नहीं है, क्योंकि यहाँ अनुसूचियाँ यदि 8 होता तो सही होता। शुरू में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है ना आर्टिकल 395 थे, पार्ट्स जो अनुच्छेद हैं 395 भाग जो है, पार्ट्स जो है 22, और 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन यहाँ 12 दिया हुआ है। तो इस प्रकार से मैं आपको फिर से बता दूँ कि शुरू में 395 आर्टिकल, 22 भाग और 8 शेड्यूल थे, अनुसूचियां थी, लेकिन अभी वर्तमान में 465 से ज़्यादा अनुच्छेद हो चुके हैं, पार्ट्स जो हैं भाग जो हैं 25 हो गया है, शेड्यूल जो हो गया है अब 12 हो गए हैं, 12। तो ये याद रखिएगा, पूछे जाते हैं बार बार क्वेश्चंस एग्जाम में। आगे चलते हैं 71 पे फ्रेंड्स,
71 राज्यसभा में होते हैं, राज्यसभा में होते हैं 250 सदस्य, जिसमें 12 सदस्य जो हैं भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, और मनोनीत जो होते हैं ये होते हैं लिटरेचर से, लिटरेचर में इनको नॉलेज होता है, या साइंस के फील्ड से होते हैं, या आर्ट्स आर्ट के फील्ड से होते हैं, या सोशल सर्विस का इनको एक्सपीरियंस होता है। पर फिर से याद रखिए कि ये भी पूछ लिए जाते हैं, लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस, याद रखिएगा। आगे चलते हैं 72 पे। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया था क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। एक्चुअली में फ्रेंड्स 1929 में जो लाहौर अधिवेशन दिसंबर में हुआ था, 1929 ईस्वी में, उसमें यह तय हुआ था कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता मनाया जाएगा, इसी कारण 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया है। आगे चलते हैं 73 पे। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, ये लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत करती है। जो पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है, लोक लेखा कमेटी जो है, समिति जो है, ये एक्चुअली में इसमें 22 मेंबर होते हैं, जिसमें 15 मेंबर लोकसभा के होते हैं और 7 मेंबर होते हैं राज्यसभा के। ये एक्चुअली में कैग का जो रिपोर्ट होता है प्रतिवर्ष, उनके रिपोर्ट की जाँच करता है लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी। और इसकी स्थापना जो हुई थी 1921 ईस्वी में इंडिया एक्ट 1919 के रिकमेंडेशंस पे हुआ था, इंडिया एक्ट 1919 के रिकमेंडेशंस पे 1921 में स्थापना हुआ था। और इसके चेयरमैन जो हैं अब होते हैं अपोजिशन के लीडर, लीडर पहले हुआ करते थे जो रूलिंग पार्टी के लीडर होते थे, लेकिन अब अपोजिशन पार्टी के लीडर जो है इसके पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन होते हैं। आगे देखते हैं 74 पे। तो अभी जो है रूलिंग, अभी जो अपोजिशन लीडर कौन है उसके हिसाब से पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो चेयरमैन होंगे कौन होंगे आप कमेंट में बताइएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो इसमें जो सही नहीं है, आप इसको यदि देखेंगे तो धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, ये गलत है। धन विधेयक की जो है, मनी बिल जो है, वो आर्टिकल 110 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ, आर्टिकल 10 110 में, आर्टिकल अनुच्छेद 110 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि सिर्फ लोकसभा में मनी बिल को प्रस्तुत किया जा सकता है, और इसका जो डिसीजन होगा कि मनी बिल है या नहीं वो स्पीकर डिसाइड करते हैं, ये मनी बिल है कि नहीं, वो भी राष्ट्रपति के आदेश के बाद मनी बिल को लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सही निकल करके आएगा बी, 74 का। आगे चलते हैं 75 पे। 75 भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो यहाँ पे यदि देखेंगे तो दे आपका संवैधानिक निराकरण का अधिकार, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 में है, संवैधानिक निराकरण का अधिकार, वो विदेशों के लोगों को भी, गैर नागरिक जो भारतीय नहीं उनको भी ये अधिकार मिला हुआ है, क्योंकि यदि फंडामेंटल राइट हनन होता है किसी पब्लिक का तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपना याचिका दायर करवा सकते हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 75 का सही आंसर, और आर्टिकल जो है 32 में लिखा हुआ, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आगे चलते हैं 76 पे। आइए, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान। किस अनुच्छेद के अनुसार, 77 में, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? एक्चुअली यहाँ जो ऑप्शन है उसके हिसाब से तो अनुच्छेद 352 होगा। राष्ट्रपति तीन तरह से आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं देश में। पहला, राष्ट्रीय आपातकाल जो 352 अनुच्छेद के अनुसार, वहीं 356 के अनुच्छेद के अनुसार, आर्टिकल जो 356 है, अनुच्छेद 356 है, उसके अनुसार राष्ट्रपति शासन लगता है राज्य में, यदि राज्य का वहाँ पर सरकारी तंत्र विफल हो जाता है। और वहीं 360, आर्टिकल 360, अनुच्छेद 360 के आधार पे वित्तीय आपातकाल की भी घोषणा कर सकते हैं राष्ट्रपति, जो कि अब तक हमारे देश में वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। तो ये तीन तरह के आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। आगे चलते हैं 78 पे। देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? यदि इस कथन को यहाँ पे देखेंगे, आप पढ़ेंगे तो डी जो है आपका सही नहीं है, जो कि सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता नहीं, ये नहीं लिखा हुआ। एक्चुअली आर्टिकल 136 जो है, आर्टिकल 136 में ये लिखा हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में कि सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़
अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या अदालतों की सुनवाई कर सकता है कोर्ट मार्शल को छोड़ करके। तो आगे चलते हैं 79 पे। यहाँ पे देखिए, राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। यहाँ पे चलिए, CDPMNES के पुनर्गठन के लिए 1957 में NDC नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा स्थापित समिति का नाम बताइए जिसमें ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया गया था। और यहाँ पे मैं बता दूँ फ्रेंड्स, बलवंत राय मेहता समिति जो है, कमेटी जो है, 1957 में गठित कर लिया गया था। और पंचायती राज की व्यवस्था जो की गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के भाग 9 में, जिसमें कि अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 O तक लिखा हुआ है पंचायती राज के बारे में। 243 से लेके 243 O तक लिखा हुआ है। और यहाँ पे मैं बता दूँ, संविधान संशोधन जो 73वां हुआ था 1992 में 24 अप्रैल को, उसके तहत पंचायती राज व्यवस्था लाया गया है। और सर्वप्रथम पंचायती राज की व्यवस्था 2 अक्टूबर को 1959 में किया गया था राजस्थान में। तो ये याद रखिएगा, राजस्थान में। आगे चलते हैं, यहाँ पे आपका हो गया 78, 79 पे, 80 हो गया, 81 पे, 81। ये देखिए, अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की। तो ये सिफारिश द्विस्तरीय पंचायती सरकार की, पंचायती राज सरकार की व्यवस्था के लिए किया गया था, जो कि बोल रहे थे कि गांव और जिला स्तर पे सरकार का गठन हो। और ये स्थापित किया गया था, ये अशोक मेहता कमेटी, 1978 में, 1978 में जनता सरकार के समय, 82। निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो शिक्षा का जो अधिकार है, मानव का अधिकार है, जो कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार अब बन गया है। जब संविधान का संशोधन किया गया था 1986, सॉरी 2002 में 86वां संविधान संशोधन किया गया था, तो उस समय जो है शिक्षा को, जो शिक्षा का अधिकार, उसको हमारे संविधान में लाया गया और मूल अधिकार के रूप में उसे हमारे संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल जो है 21A में रखा गया है। 21A, अनुच्छेद 21A में शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार की संज्ञा दी गई है 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के बाद। और इसे लागू किया गया था 1 अप्रैल 2010 से, 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया था। इसमें क्या है, शिक्षा का जो अधिकार है उसमें राज्य सरकार को ये व्यवस्था करना है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों की फ्री शिक्षा उपलब्ध हो पाए। आगे चलते हैं 83 पे, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 में, लेकिन ये चालू हुआ था, लागू किया गया था 1 अप्रैल 2010 से। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। आगे चलते हैं 84 पे, भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। 85, चल योजना के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए, जो रोलिंग प्लान होता है उसके बारे में देखना है। तो चालू वर्ष के लिए एक योजना जिसमें वार्षिक बजट शामिल होता है, सही है। और उसके बाद एक योजना जो 3, 4 या 5 वर्षों के लिए निर्धारित है, गलत है। यह अर्थव्यवस्था की आवश्यकता अनुसार प्रतिवर्ष संशोधित होती है, सही है। और चौथा में देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, 10, 15 अथवा 20 वर्षों के लिए, नहीं ये भी गलत है। तो ऑप्शन यहाँ पे 1 और 3 सही हो जाएगा, देख लीजिए बी निकल करके आएगा सही आंसर, 1 और 3। आगे चलते हैं 86 पे, भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी 1950 में, योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को, जो पंचवर्षीय योजना है, इनका मुख्य उद्देश्य था पंचवर्षीय योजना बनाना। लेकिन अब जो है नीति आयोग इसको रिप्लेस कर दिया है 13 अगस्त 1914 को, 2014 को ये रिप्लेस कर दिया गया है नीति आयोग के द्वारा, जिसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री और इसके उपाध्यक्ष अभी वर्तमान में है राजीव कुमार उपाध्यक्ष हैं, और CEO जो हैं अमिताभ कांत जी हैं। और यहाँ पे मैं बता दूँ, 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग को लागू कर दिया गया था। नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये याद रखिएगा, सारी चीज़ें पूछ लिए जाते हैं बार बार। आगे चलते हैं अपने डिस्कशंस में 87 पे,
योजना आयोग ने 1993-94 बिहार के लिए गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल का निम्नलिखित प्रतिशत प्राकलन किया था, 35%। ये हो जाएगा सही आंसर 87 का। आगे चलते हैं 88 पे। ये देखिए, बिहार में उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है? पटना में स्थित है। 89, उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्तर बिहार बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है, काफ़ी बाढ़ आता है। 90, बिहार राज्य विभाजन पूर्व में कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे? 6 औद्योगिक विकास प्राधिकरण थे विभाजन के पूर्व, जो कि यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका, निकल करके देखिए यहाँ पे, ये हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 6, जैसे कि आदित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर। 91 पे चलते हैं। बिहार की उस योजना का नाम बताइए जो निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है। तो ये आपका निकल करके आ जाएगा बी, एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क। एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क सही आंसर। आगे चलते हैं 92 पे। किसके प्रयत्नों से बाहर प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? तो ये हुआ था श्री दीप नारायण सिंह के प्रयत्न से द्वितीय प्रांतीय अधिवेशन, श्री दीप नारायण सिंह, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी। 93, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे? तो बिहारी के संपादक जो थे महेश्वर प्रसाद थे, बाबू महेश्वर प्रसाद, डी जो हो जाएंगे सही आंसर होगा डी 93 का। 94 पे चलते हैं। बिहार में यद्यपि जमींदारी संवैधानिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी, यद्यपि भू नियंत्रण का सार्वजनिक आधार निम्नलिखित के हाथों रह गया। ये उच्च जाति प्रधान जाति के हिंदू के हाथों रह गया था। तो फ्रेंड्स, ये डिस्कशन यदि आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो यदि अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों तक शेयर करते रहिए। कमेंट और लाइक करना नहीं भूलिए। जो क्वेश्चंस मैं पूछता हूँ उसको रिप्लाई करने की कोशिश कीजिए, उससे आपको भी जानकारी मिलेगी और कुछ लोगों को नहीं पता होगा उनको भी जानकारी मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आज के इस डिस्कशन में बस इतना ही। अगले डिस्कशन इसको मैं कंप्लीट कर दूंगा जो